गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस पहले तो आप सबको बहुत 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 सभी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, मतलब चांद रात मुबारक। आज चांद रात है और मैंने चांद देखे दुआ करी थी और इंशाल्लाह सबकी दुआएं कबूल होंगी। और जो तक अवुफ पे बैठे थे वो भी आ गए हैं। और गाइस आई सबको इतनी एक्साइटमेंट थी ईद की कि देखें वो अभी से जो है ना वो सो गई है। इतनी ज़्यादा थी उसको एक्साइटमेंट कि कल कैसे हम कपड़े पहनेंगे, अपनी फ्रेंड्स होंगी हमारी, हमें इतनी ज़्यादा पैसा मिलेगा, मतलब आप समझे ना, बहुत ज़्यादा मनी मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। दुआ यही बात है ना। और आप आपकी वो ईद की ड्रेस दिखा रहे हैं गाइस वहाँ पे गाइस की पड़ी है, वो शर्म रही है इसीलिए वो कह रही है। हाँ वो कह रही है, नहीं मुझे अकेले में कहा था, मैंने लॉकडाउन से पहले इससे पूछा था, कहती नहीं आप ही ऐसे सारे गाइस देख लेंगे फिर बोले ये तो इसने पुराना ही पहना हुआ है ना। ये गाइस बहुत ही ज़्यादा मतलब स्मार्ट है। और गाइस हमें स्कूल से भी छुट्टी है, पार्क से भी, ट्यूशन एकदम हमारी फुल मौज चल रही है, बहुत मज़ा। हम अपनी फ्रेंड्स साथ खेलते हैं, मतलब पूरा दिन जो है ना वो प्ले होता है, बहुत मज़ा आता है। और गाइस कल सुबह सुबह भी मैं आप लोग बनाऊंगी कस्टर्ड। आयजा अब तुम उठी हो गाइस, ये कब की सो रही थी ये बंदी, ओए नहीं हुई सुबह, इसकी एक्साइटमेंट आप लोग चेक करें। अभी रात ही है, तो अभी रात भी नहीं हुई और तुम कब की सो रही हो गाइस, इसके टाइम चेक करें फिर सो गई है। मुझे इस ना बंदी की कुछ समझ नहीं है। अभी पूछती सुबह हो गई है ना, इतनी खुश ना, उसको तो कपड़े पहनने की बहुत जल्दी। मैं इसके इसके भी सैंडल दिखाती हूँ और अपने, मैं एक मिनट में बाइक की लाइट ऑन कर दूँ। आइजा अपने सैंडल ला ना, मायर पड़े हैं। चलो पहले किसके दिखाऊँ, ये देख सकते हैं आइजा आप सब। और आयदा का ना सेम था क्योंकि इन दोनों का दिल कर रहा था कि वो दोनों सेम लगाए। ये देख सकते हैं आप लोग कितना क्यूट सा था आयदा का। और ये मेरी हील थी क्योंकि मैंने लहंगा पहनना ना, आपको थोड़ी सी तो हिंट मिल ही गई होगी कि हमने लहंगा वगैरह पहनना। वो आप सबको पैक करके रख दो। जब भी मैंने इसको बोला है ना कि मैं सबके जूते दिखा दूँ, उसने सब उससे पहले निकाला मेरा जूता, वो चला गए। आइजा अभी नई सुबह हुई, कैसे बताऊँ अब मैं आपको, इतनी एक्साइटमेंट है ना इस बंदी को, ये बंदी जान दे रही है नींद के लिए। बड़ी ईद होती ना इसने भी लेटे हो, कल मेरा जानवर जीवा हो जाना ऐसे इसने कर रही हो ना था। बड़ी ईद पे होता है लेकिन अब छोटी ईद है ना, इस ईद पे नहीं होता गाइस। और गाइस आप सब कौन कौन से कलर के जो है वो सूट पहनेंगे आपने, ये भी और ड्रेस और शूज साथ में आप क्या पहनेंगे, क्या क्या आप जलूलता है बालों का हेयर स्टाइल आप क्या पहनेंगे। मैं तो आप लोग कल देख ही लेंगे, कल ईद है ना, मैं आप सबको अपना हेयर स्टाइल भी दिखाऊंगी। और आयजा का भी मैं भी आपको हेयर स्टाइल दिखा देती हूँ गाइस, आराम से मस्तानी ले गाइस। मैंने हेयर स्टाइल नहीं बनाया गाइस, मैंने भी हेयर स्टाइल नहीं बनाया गाइस। ये इसकी लुक है, बैड लुकिंग तनी क्या से लुकिंग ली हुई है। अगर गाइस आप लोग 2-3 या 4 मिलियन करवा देंगे ना तो इंशाल्लाह हम पापा से जिद करके क्या लेंगे, एनिमल। तो कौन सा नहीं वैसे, कोई बर्ड्स वगैरह ये वो, हमारी जो ईदी होगी उससे भी हम ले लेंगे। और कुछ पापा जो है थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं ये पापा ले लेंगे गाइस। आपने 4 या 3 मिलियन करवा देना फिर मैं सच्ची में आपको रोज बकायदगी से व्लॉग बनाया करूँ। हमारा ना मेरे हिमान सिटी में ना गाइस घर है, वो ना फारिक है, मतलब वहाँ कोई रहता नहीं है, माशाल्लाह डबल स्टोरी इतना प्यारा बना हुआ है। तो पापा बोल रहे थे वहाँ अगर आपकी वीडियोस चल गई ना, मतलब 1 मिलियन 2 मिलियन 3-4 मिलियन के मतलब सब्सक्राइब और व्यूज आने लग गए तो मैं आपको जो है वो गाइस
ले दूंगा। दुआ करे पापा वहाँ मुझे सेटअप खोल दे। मुझे एनिमल से वैसे भी बहुत प्यार है भाई, मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। और जब भी गाइस मैं ईद पे कोई जानवर लेती हूँ ना बड़ी ईद पे, एक तो वो मतलब बहुत प्यार होता है, बहुत क्यूट होता है। अरे आपको मैं एक बात बताऊँ, मेरी ना बर्थडे से तकरीबन मैं आईदा जैसी थी उसके जैसी थी बिल्कुल। तो ना पापा ने 2-3 महीना पहले ही मुझे जानवर ला दी। इतना प्यारा था, इतना क्यूट था, वाइट जानवर। अभी मैं उसकी याद में इतना गाइस वो क्यूट था ना। हमने 1-2-3 नहीं वो ज़ीबा हो गया था गाइस, 3 हमने जो है ना वो जानवर लिए थे गाइस। आज तो है ही पागल, इतना क्यूट था हमारा जब वो ज़ीबा हुआ था ना, क्या बताऊँगा। और जब हमने अपने कट्टे को ज़ीबा किया था ना, तो उसकी जो इतनी बॉडी पार्ट नहीं ना होता, वो जब मैंने पढ़ा देख लिया तो मैं इतना रोई थी। पापा ने बोला जाओ गोश्त बांटाओ, तो मैं भौंक कर ऐसे डर डर के भागी गाइस। फिर मैंने बांटा, फिर आईदा चली गई थी। आईदा को नहीं मतलब इन चीज़ों से इतना डर, आईदा कुर्बान नहीं होते देख। अब मतलब थोड़ा थोड़ा है हमारी जो ये है ना बाहर गली, इसमें ना किसी ने ना कुर्बानी की थी, ठीक है। मैं और आईदा मतलब हम लोग पहले बैट बॉल खेल रहे थे ना काफ़ी दूर, मतलब हम अपने घर के बाहर खड़े थे, हम लोग बैट बॉल खेल रहे थे, ठीक है। तो मैंने कहा बैट बॉल खेल खेल के बोर हो गए, बॉल को पाँव से आगे आगे करके ना हम थोड़ा आगे कर चले जाते हैं, बड़े मज़े की बात है। तो हम लोग आगे गए, हमने आगे कहा देखे बकरा ना मतलब कट हुआ हुआ, उसका खून मतलब पूरा खून खून, उसमें हमारी बॉल चली। इतना रोई मैं, भागती भागती और मैं भागती भागती मेरी चीखें निकल गई। मैं भागती भागती पापा पास गई, पापा बोलते कुछ नहीं होता मैं ले आता। और जब पापा लाए ना, मैंने किचन में दरवाज़ा लॉक्ड कर लिया, पापा बोलते बेटे खोलो खोलो, कुछ नहीं हुआ, खून से वो तोबा भरी हुई थी। मैं तो उस बोल को एक दो दिन हैंड मिसल गए, मुझे इन चीज़ों से मतलब बहुत डर लगता है। मैंने कभी कुर्बानी होते नहीं देखी, और अगर देख भी लूँ ना तो दिल को कुछ होता है। और मतलब जानवर भी एक तो होता है ना अपना, हमारे एक एक कदम आगे जाने थे ना, कट्टे की शॉप आ जाती है, तो मुझे कट्टे से थोड़ा सा बदबू आती है, क्योंकि हराम गोश्त, हराम नहीं है उसका नाम क्या है, हलाल गोश्त, पता नहीं मैं क्या कर, तो वो फिर उसकी गंदी सी स्मेल आती है जो तो। और मुझे उल्टी आई थी, हम ना दूर वाले पार्क में जा रहे थे। पूरी बात मैं आपको बताती हूँ, हम लोग जो है ना बड़े मजे से जो है वो पार्क जा रहे थे, ठीक है। आईदा ने बोला पापा वो दूर वाले पार्क जो जहाँ सीसा भी है फ्री थे ना मतलब वहाँ जो, तो हम लोग वहाँ चले गए, ठीक है। उसके बाद क्या वो बताऊँ, उसके बाद हमने देख लिया मतलब बकरा या बड़ा नहीं ना होता, उसका सर कटा हुआ था, और उन्होंने ना ऊपर कपड़ा दे के लटकाया, खून टपक रहा था नीचे। तोबा या अल्लाह, तो मुझे मेरी उल्टी निकल गई जी गाइस। और गाइस आप लोग क्या, ये वैसे ही अपनी तरफ से कोई स्टोरी वगैरह नहीं, सच बात है गाइस, जानवरों से होता ही बहुत ज़्यादा प्यार। और जो जो पेट लवलर्स हैं उन सबको तो होता ही गाइस बहुत ज़्यादा प्यार होगा अपने जानवरों से। अब मैं भी सोच लूँ कि मतलब पेट लवलर्स का कोई ना कोई मैम कोई सेटअप खोलें, है ना दुआ जी गाइस, और खोलना भी चाहिए। और गाइस अगर आप लोगों ने ना हमारे 4 मिलियन सब्सक्राइबर करवा दें प्लीज़ गाइस प्लीज़, फिर मैं इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा जानवर लूँगी, क्या पता रोड फैलर ले लूँ। हमारे 1 मिलियन हो गए तो इंशाल्लाह मैं रोड फैलर लूँगी गाइस। गाइस तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब।